गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और रोज की तरह आज भी मैं एक वीडियो लेकर आ गई हूँ। और फ्रेंड अभी टाइम हुआ है दोपहर के 1 बजे। मेरा सारा काम हो गया, सारा काम बोलो तो घर का साफ सफाई, खाना बनाना सारा कंप्लीट है। तो अभी मैं जा रही थी ये सब कंप्लीट करने के बाद बाहर जो कपड़े सूख रहे थे वो उठाने के लिए। उसके बाद उठाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने, फिर लंच करेंगे। तो चलो फ्रेंड मेरे वीडियो में बने रहो और मेरा वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे पता लगेगा कि आप सब मेरे वीडियो देख रहे हो। और पूरा वीडियो वॉच करना और जो न्यू देखेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को ऑन कर देना, जैसे टंग करके एक नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं वीडियो दूँ। तो फ्रेंड जो मेरे पुराने फ्रेंड हो उनको तो पता ही है मैं कितना प्यार करती हूँ उन सबसे। तो चलो वीडियो के और बढ़ते हैं, लेट्स गो। देखो फ्रेंड कितना अच्छा धूप निकला है और नीचे से ये गाड़ी जा रही है और हवा भी चल रहा है। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा हवा चल रही है और बहुत तेज धूप निकली है। और मेरा पूरा एकदम कपड़ा भर गया है यहाँ पे। शरण्या क्या कर रही है अब देखो, ये मैंने जो कपड़ा उठाया यहाँ पे रखा है बेड पे और ये पूरे दिन इस दीवार पे पेंटिंग करती रहती है, ये अलमीरा पे, ये दीवार पे। और ये कपड़ा मुझे ठीक करना पड़ेगा। मेरा बेड का हालत अब देखो फ्रेंड, सच में देखो, इसी में ओडियो, शरण्या की बैग, ये खिलौना, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको मेरे बेड में। क्या कर रही हो? देखा, देखो पढ़ाई भी इस दीवार पे ही करती है, ये वाले दीवार पे, ये वाले दीवार पे, देखो ये बी सी डी, ये सारे दीवार पे करते रहती, पर ये वाला मैंने किया है ठीक है, ये सरना ने नहीं किया। यहाँ का हालत बहुत खराब कर दिया था तो मैंने बटरफ्लाई ड्रॉ कर दिया। गाइस बाहर का मैं वो काम करके आ गई हूँ, अब जा रही हूँ मैं नहाने। और शरण्या क्या कर रही है देखो, शरण्या कल घूमने के लिए गए थे तो बहुत कुछ छोटा छोटा खिलौना खरीद के लेके आए है, उसी से वो खेल रही है। पर चलो मैं नहाने जाऊँ, अरे मैं नहाने जाऊंगी क्या, देखो मेरा किचन का सारा बर्तन पड़ा है, ये साफ करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। आंखों में क्या चला गया पता नहीं। और ये देखो मेरा हस्बैंड ने सारा कपड़ा धो के यहाँ पे ऐसे टांग दिया है, इसका पानी मैं बाथरूम में झड़ने के लिए छोड़ देती हूँ। गीजर का स्विच तो ऑन है, मतलब पानी गर्म हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा और कपड़ा जमा हो गया है शरण्या का नहाने के बाद, पर अभी मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी, पहले मैं ये बर्तन धोऊंगी फिर मैं चलूंगी नहाने। चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ और फोन को स्टैंड में करके आपको भी, आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे पानी किसने गिराया? ये देखो पानी गिरा है ना यहाँ पे, आप भी गिर जाओगे, पैर मत डालो वहाँ पे, चप्पल पहनो नहीं तो बेड पे चलो, बेड पे चलो, नीचे बहुत ठंड है, बेड पे चलो नहीं तो चप्पल, चलो ऊपर, हाँ चप्पल पहन लो नहीं तो बेड पे चलो। शरण्या का कितना क्यूट क्यूट चप्पल है देखो, और बहुत बड़े साइज की है, दोनों पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, शरण्या भी पहनती है। सबसे मेरा घर में जो सबसे बेकार चीज क्या होती है पता है, सारी जगह पे बस कपड़े और कपड़े, कपड़े और कपड़े, जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। पर क्या करें, 3 मेंबर का इतना कपड़ा, ठंड में ज्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, डबल डबल पहनना पड़ता है, फिर उसके बाद स्वेटर। चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ।
बोलूं तो फ्रेंड जो पूरा काम करके जैसे ही मैं दूसरे कुछ करने जाती हूँ तो और एक काम आ जाता है मेरा। हाउसवाइफ का लाइफ ऐसे ही होते है। बर्तन धोने का क्लिपिंग वीडियो में ऐड करूंगी ना, कोई आप सबको ये देखोगे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जितना हो सके मैं दूंगी, उसके बाद नहीं दूंगी। चलो फ्रेंड ऐसे करके मैं सारा बर्तन धो लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो फ्रेंड मैंने बर्तन धो लिया, कितना सारा बर्तन था आप देखो, पूरा एकदम क्लीन कर लिया। और अभी मैं ये जो आप फ्लोर देख रहे हो ना किचन का, ये मैं धोऊंगी पूरा एकदम, पानी डाल के वाइपर से पूरा धोऊंगी, फिर मैं चलूंगी ना।
है।